हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का दिन है बुधवार और डेट है आज की 29 सितंबर। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ आज किचन क्लीनिंग। तो अभी मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है, जो भी होता है, साफ़ सफाई, नहाना धोना सब निपट चुका है, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और इसके बाद कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था। इसके करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, तभी जाके ये ऐसा काम हो पाता है कि जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, साफ़ सफाई करनी हो, कुछ भी नया अच्छा मतलब हो जाता है डेली के रूटीन में, तो वो करना हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम फ्री चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं फ्री थी इस समय, तो आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। तो काफ़ी लंबे समय बाद मैंने आज आप लोग के साथ में ये वाला वीडियो अपने क्लीनिंग का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाया है क्लीनिंग का। तो मुझे करना था किचन साफ़, करने की काफ़ी चिपचिप सी हो रखी थी तो साफ़ करनी थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे मैं आप लोग को काफ़ी बार दिखा चुकी हूं कि मैं किस तरह से अपनी किचन साफ़ करती हूं, तो अभी भी आप देख लीजिए क्या कर रही हूं मैं, कैसे कर रही हूं। तो वैसे बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन आजकल जाली वगैरह काफ़ी हो रहे हैं स्टैंड में, काफ़ी मतलब हो ही जाते हैं, चिपचिप वगैरह कुछ भी हो, धूल धाल चिपक जाती है, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप जो भी मेरी वीडियो देखें, आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो बने रहिए आप लोग वीडियो पे। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैंने सारे स्टैंड से बर्तन वगैरह मैं निकालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले स्टैंड ही साफ़ करना है। तो इससे पहले मैंने कुछ डिब्बे जो किचन के होते हैं, दाल वगैरह के डिब्बे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा जो खाली हो रखे थे, चिपचिप हो रखे थे, गंदे से लग रहे थे, तो उनको साफ़ किया है, उनकी सफ़ाई कर चुकी हूँ मैं। और उनको धोने के बाद अब मैं सारे बर्तन एक बार टोकरी में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना स्टैंड ही साफ़ करना है। तो ये देखिए आप, धूल धाल काफ़ी हो रखी थी, क्योंकि 15-20 दिन ऊपर हो चुका है और यहाँ पर अभी मेरी सफ़ाई चल रही है, देखिए। और अभी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मेरा साफ़ हो गया था, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, देख रहे होंगे आप। इसके बाद मैंने फिर से स्टैंड साफ़ करके वहीं पे लगा दिया है जहाँ पे मैं पहले था,
और उससे पहले मैंने वहाँ पे अपनी टाइल्स वगैरह स्लिप वगैरह सब में अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ किया है, सारी चिकनाई धूल धाल जो भी मुझे लग रहा था सब निकाल दिया है। और इसके बाद फिर से मैंने अपने स्टैंड में जैसे मेरे बर्तन पहले थे उसी हिसाब से मैं लगाने लगी हूँ, देख लीजिए आप। तो बर्तन जो थे ये गिलास वगैरह कटोरी वगैरह जो खाने के बर्तन रहते हैं उनको तो मैं डेली अदला बदली करके निकालती रहती हूँ, जैसे कभी पीछे के बर्तन निकाल दिए कभी आगे के बर्तन निकाल दिए, तो इस तरह से यूज करते रहो तो बर्तन सारे बर्तन धुलते रहते हैं और गंदे भी नहीं रहते हैं। तो इसी हिसाब से मैं फिर से अपने बर्तन इसी स्टैंड में लगा रही हूँ, तो इनको धोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो यहाँ पर सब कुछ पहले जैसे लगा लूँगी मैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी किचन काफ़ी गंदी हो रखी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा काम जल्दी निपटाए और मुझे करनी थी किचन सफाई, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी दिखा वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। सॉरी बोलने में काफ़ी गलती हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने टाइल्स वगैरह जो हैं उनको भी साफ़ कर रही हूँ, तो लगे हाथों वैसे मैं करती रहती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह जब भी धुलती हूँ तो उसी समय कपड़ा मारती रहती हूँ, छींटे वगैरह जो रहते हैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कुछ दिन स्पेशल होते हैं कि आज का दिन किचन की सफाई के लिए स्पेशल है, तो यहाँ पे यही सब हो रहा है, मेरा स्पेशल दिन है, मतलब थोड़ा काम पहले निपटा के थोड़ा इस समय फ्री रही तो क्लीनिंग करी हूँ। और यहाँ पे बीच में देखिए आ गई है मेरी बेटी, तो इसके नखरे आप लोग रोज़ वीडियो में देखते ही होंगे, तो इसने जैसे यहाँ पर कैमरा खुला देखा तो ये कुछ हरकतें करने लगी हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी किचन साफ कर चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा जो भी बर्तन थे उनको धो रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आप पूरी किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, और ये काम जो भी था सभी का साफ़ सफाई का मेरा ख़त्म हो चुका है। तो कैसी लग रही है मेरी किचन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो और मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।